नमस्कार। झारखंड के सहायक अध्यापक को लेकर के हम बातें करेंगे। किस प्रकार से आज यानी 4 अक्टूबर 2024 को एक बैठक संपन्न हुई जिसमें झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के साथ साथ टेस्ट सफल सहायक अध्यापक भी सम्मिलित हुए। आज की बैठक में संघर्ष मोर्चा में शामिल होने हेतु दोनों टेस्ट संगठन के अगुआ साथी भी उपस्थित हुए। बैठक में संघर्ष मोर्चा और सरकार के बीच 28 तारीख को यानी 28 सितंबर को हुए समझौते को आचार संहिता से पूर्व कैबिनेट में कैबिनेट से स्वीकृत हेतु दबाव डालने पर यह विषय चर्चा की गई तथा साथ में मानदेय में 4% वृद्धि को परियोजना के द्वारा कटौती पर भी चर्चा की गई एवं इस पर सभी के द्वारा एक स्वर में आपत्ति दर्ज किया गया। चलिए, अच्छी बात है कि देर से आए लेकिन अच्छे से आए। और आप देख सकते हैं इस इमेज में कि सभी ने एक जगह खड़ा होकर के फोटोग्राफी ली है, जिसमें सीमांत घोषाल, उपाध्याय जी, शकील जी, तमाम तरह के लोग, सिद्धकी जी, तमाम तरह के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए सोमवार के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की बात बनी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर यदि कुछ बात नहीं बनती है तो सोमवार तक एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और कैसे आंदोलन करना है, क्या करना है, इस पर चर्चा की जाएगी। संघर्ष मोर्चा में शामिल एक घटक दल के साथी संजय दुबे, जीएम सिंटू जी के किसी कारणवश आज बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, जिस कारण समन्वय पर फाइनल निर्णय नहीं हो सका। चलिए, जैसा कि हम सिद्धकी जी के समन्वय हेतु एक दिन का समय मांगा, इसमें सिद्धकी जी ने समन्वय के लिए एक दिन समय मांगा। देखिए, समन्वय की जो बात है, सरकार के साथ संघर्ष मोर्चा के हुई समझौतों को अविलंब लागू किया जाए, इस पर बात चर्चा हुई एवं वेतन मांग की मांग को मांग पत्र में रखा जाए, भले ही सरकार के चुनाव के बाद देने की बात हो। देखिए, ध्यान से देखिए इस बात पर, इस बात को ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा कि वेतन मान के सपने को, वेतन मान के डिमांड को, वेतन मान के मांग को मरने नहीं देना है, भले चुनाव के बाद हमको मिले, है ना, लेकिन वेतन मान की मांग को जिंदा रखना है। समन्वय का आधार, समन्वय का रूपरेखा पर औपचारिक बातचीत हो गई है। कुछ अगुवाई साथियों के सहमति के बाद समन्वय हेतु सभी संगठनों के बीच जूम मीटिंग आयोजित की जाएगी। सामूहिक निर्णय उपरांत ही प्रदेश कमेटी द्वारा सोमवार को वित्त विभाग में ईपीएफ की फाइल की वस्तु स्थिति पता करने के बाद झारखंड सरकार को अल्टीमेट दिया जाएगा। देखिए, ईपीएफ जो समझौता हुआ था, ईपीएफ को मानने के बाद ही अल्टीमेट दिया जाएगा कि सरकार के साथ क्या करना है। यदि अगली कैबिनेट में हमारे ईपीएफ पर मोहर नहीं लगती है तो झारखंड के 62,000 पार्टीचर एकजुट होकर के आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए, ईपीएफ की बात देखें, आगे देखें हम लोग। बैठक की समाप्ति के बाद सभी संगठन के अगुआ साथी एक साथ सचिवालय में वित्त विभाग के ईपीएफ की फाइल की जानकारी के लिए वित्त विभाग में पदाधिकारियों से बात किया। वित्त विभाग बताया गया कि फाइल मूवमेंट में है। देखिए, फाइल मूवमेंट में है, मूवमेंट में है, सब कुछ कार्यक्रम का मूवमेंट हुआ करता है, फाइनल संचिका है, इसलिए यह यहाँ से स्वीकृत होने के बाद शिक्षा विभाग नहीं जाएगा, सीधे कैबिनेट जाएगा। कहाँ जाएगा? सीधे कैबिनेट। चलिए, ईपीएफ का भी रास्ता साफ दिख रहा है, इसलिए साथियों इसमें प्रदेश कमेटी के लगने की आवश्यकता है। क्या, किसको? प्रदेश कमेटी के लोग इसको अलग करके कराएं। सोमवार को प्रदेश कमेटी द्वारा इस पर फिर वित्त विभाग में कार्य करेंगे। साथियों, आज सबसे खुशी की बात यह है कि अलग थलग पड़े दूसरे के संघर्ष जो हमारे टीम है, जो टेट पास हो गया, आग्रहण हो गया, संघर्ष मोर्चा गया, प्रसिद्ध अनप्रसिद्ध हुए, सब बिखर गए थे, लेकिन खुशी की बात है कि आज अगर ये एक मंच पर आए हैं, इससे पहले अगर मंच पर आए होते तो हमारा संघर्ष का ये रंग रूप कुछ और होता, सरकार का जो रवैया देखने को मिला वो देखने को नहीं मिलता, उसका कुछ और रवैया होता। देखता है, बल है, स्थिति से बात है, आप सब जानते हैं, शिक्षक हैं या बड़े बुजुर्ग जो भी हैं हमारी बातों को सुन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, काश यही चीज़ और कुछ महीने पहले हो रहा होता तो आज समीकरण कुछ और ही होता। यदि इसको हम पहले करते, ये जो जो तमाम तरह का जो टेट सफल
ताकतन अप्रशिक्षित अप्रशिक्षित तमाम तरह की जो संगठन हमारी है ये जब एक मंच पर आज आकर दिख रहे हैं तो लाजमी है अगर कुछ दिन कुछ महीने पहले जैसे ये आपका ये कह सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च जो भी हमारा बीता है उसमें अगर ये होते तो कुछ और ही रंग होता है। लेकिन जो बीत गया उस पर फालतू भाष करना ठीक नहीं है। तो आज झारखंड सहायक अध्यापक संघ मोर्चा की बैठक में विनोद बिहारी महतो विनोद तिवारी सिकेश पाठक सिद्दकी शेख मोहम्मद शकील बिलाल अहमद जेल महतो मिथिलेश उपाध्याय शरद दशरथ ठाकुर संजय मेहता प्रमोद कुमार सीमान घोषाल महेश मेहता विनोद राव आदि शामिल हुए। चलिए एक मंच पर तो आए एक सद्बुद्धि तो आए सबके अंदर हमारे नेतृत्वकर्ता जो भी हैं किसी कारण बस अलग हुए होंगे लेकिन हमारा मकसद मेन मकसद एक है तो हम एक है रहे। थैंक यू वेरी मच।